तो देश में कोरोना का तांडव जारी है। एक बार फिर से संक्रमितों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। अब की बार ये रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आए हैं। एक दिन में 2,73,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मरीज का आंकड़ा 20,00,000 के पार पहुंच गया है। एक्टिव मरीज वो हैं जिनका भी इलाज चल रहा है, बाकी या तो ठीक हो चुके हैं या फिर उनकी मौत हो गई है। दूसरी ओर भारत में कोरोना की चपेट में आने वालों का आंकड़ा रविवार को 1.5 करोड़ को पार कर गया। अब तक 1,50,57,767 लोग संक्रमित हो चुके हैं। थोड़ी राहत की बात यह है, इनमें 1,29,48,848 लोग ठीक हुए हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,78,793 हो गई है। भारत में एक्टिव केस का आंकड़ा अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। देश में बिगड़ते हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर दिन कोरोना मरीजों का आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। 24 घंटे के अंदर देश में 2,74,944 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इस बीच 1,43,701 लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 1,619 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अब हर 10,00,000 की आबादी में 11,000 लोग संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि 129 लोग जान गंवा चुके हैं। बीते 24 घंटे में कुल नए केस 2,74,000 हैं, जबकि 24 घंटे में कुल मौत 1,620 हुई है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 1,43,000 है। अब तक कुल संक्रमित 1,50,00,000 के पार हो चुके हैं, जबकि अब तक कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,29,00,000 है। अब तक कुल मौत का आंकड़ा 1,78,00,000 है। वहीं जिनका इलाज चल रहा है ऐसे मरीज 20,00,000 के करीब हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र यानी कि देश की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी दोनों में हाल बदहाल है। दिल्ली में एक हफ्ते का कर्फ्यू घोषित हो चुका है। महाराष्ट्र पहले ही ये कदम उठा चुका है। लोगों की भागीदारी के बिना कोरोना की दूसरी वेव से पार पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।